अपना अपनी पर्सनल गड्डियाँ लेके आने, अगर 100 अपने एम्बूलेंस होगी तो अभी अपने एम्बूलेंस लेके जाऊँगे, लेके आऊँगे, बहुत प्रॉब्लम आ रही सारे पंजाब की जनता बहुत परेशानी आएगी। इन्हों हम सरकार ने चाहिए कि इन्हों का मसला हल होना चाहिए, यानी तनखा बदलनी चाहिए, जो इन्हों का मसला वो हल होना चाहिए। कदम बाईचांस कोई रोड के उत्ते एमरजेंसी होंगी है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होंगी है, तो एक बंदा तो चलो एक तो पेशेंट तो आप लेके आ सकते हैं, ज़्यादा पेशेंट हो लिया दिक्कत हो गई। पिछले 2 दिन तो एम्बूलेंस स्ट्राइक चल रही है, आम जनता को कितनी प्रॉब्लम फेस हो रही है? हाँ प्रॉब्लम तो आ रही है जी, पेशेंट लेके आए थे इतने एमरजेंसी के 108 नंबर मिला रहे एम्बूलेंस का, वो एम्बूलेंस का नंबर जो मिल नहीं रहा है, एम्बूलेंस की स्ट्राइक चल रही है, बड़ी दिक्कत आ रही जी। अपने जो परसनल व्हीकल है उन्होंने लेके आना पै रहा पेशेंट को, कदे बाईचांस कोई रोड के उत्ते एमरजेंसी होंगी है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होंगी है, तो एक बंदा तो चलो एक तो पेशेंट तो आप लेके आ सकते हैं, ज़्यादा पेशेंट हो लिया दिक्कत हो गई। इतने भी मैं आके देखा काफ़ी पेशेंट जोड़े है उन्होंने दिक्कत हो रही जी इतने आने एमरजेंसी। अगर ये स्ट्राइक लंबे समय चलते प्रॉब्लम तो वैसे ही पंजाब फेस हो रही है जी, पर जे हूँ जिम्मे एमरजेंसी की है तो यह प्रॉब्लम तो अगे भी आती रहेगी जी, फिर अगर स्ट्राइक लंबे समय तक चलती है तो यह प्रॉब्लम जी अगे भी पेशेंट को आती रहेगी जी, सरकार को देखना चाहिए ये बारे गौर करना चाहिए जी। अपना जो भी पेशेंट लेके आने अभी अपना अपनी पर्सनल गड्डियाँ लेके आने, अगर 100 अपने एम्बूलेंस होगी तो अभी अपने एम्बूलेंस लेके जाऊँगे, लेके आऊँगे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर अभी इतों सू चंडीगढ़ जाना पैंता अपनी गड्डी लेके जाना पैंता, मरीजों में भी परेशानी होंगी, दिक्कत होंगी, घर के जो नाल बंदे भी परेशानी हो रही है। जिस तरह एम्बूलेंस के कर्मचारी कह रहे हैं सानू तनखावें दी जा रही हैं, जिसके कारण असं होर भी लंबे समय लिए स्ट्राइक पर जा सकते हैं, लगता भी जे लंबे समय लिए गए तो आम पंजाब की जनता काफ़ी मुसीबत दे विच आ सकती है। हाँ जी परेशानी आ सकती है, हम तो मरीज हम सारे पंजाबी जनता बहुत परेशानी आएगी, इन्हों हम सरकार ने चाहिए कि इन्हों का मसला हल होना चाहिए, यानी तनखा बदलनी चाहिए, जो इन्हों का मसला वो हल होना चाहिए। इस वक्त खरड़ के सरकारी हस्पताल बाहर खड़े हैं, जिते कोई भी एम्बूलेंस नहीं इतने आ रही, जे कोई पेशेंट आ भी रहा है तो वो अपने निजी जिहड़े वाहन ने अपने प्राइवेट गड्डियां दे विच मोटरसाइकलों पर पेशेंट नूं लैके आ रहे हैं, मुसीबत जी है प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पै रही क्योंकि पे घट मिलने के कारण जिहड़े पूरे पंजाब भर के एम्बूलेंस के जिन्हें भी कर्मचारी ने ड्राइवर ने या ना जो डॉक्टर्स होंगे ने हूँ स्ट्राइक तो चल रहे हैं, तो जिसके कारण आम जनता परेशानी देख रही है। सरकार जी हाल तक कोई गलबात नहीं हो रही, जिसके कारण हूँ देखना ही होगा भी जी स्ट्राइक चल रही है वो होर किन्ने दिन अगे होर बढ़ सकती है, तो जी आम जनता है उन्होंने किन्नी क प्रॉब्लम्स का सामना करना पवेगा। मोहाली तो अभिषेक महेंद्र रिपोर्ट पंजाब तक।